प्रोबायोटिक्स क्या है इस बारे में काफी लोगों को नहीं पता होगा। दरअसल प्रोबायोटिक्स जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, विशेषकर आपके पाचन तंत्र के लिए। हमारा शरीर अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया से भरा होता है। प्रोबायोटिक्स को अक्सर अच्छा या सहायक बैक्टीरिया और उस रूप में हम जानते हैं। आपके हमारे पेट की हेल्थ को सही रखने में ये मदद करता है। अब कई लोग प्रोबायोटिक्स की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उनसे आगे चलकर जबरदस्त नुकसान हो सकता है। ऐसे में एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा फल बताया है जो प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा सोर्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो हेल्थ और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रोबायोटिक्स कैसे काम करते हैं? एंटीबायोटिक्स लेने के बाद किसी के शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की जब कमी हो जाती है तो प्रोबायोटिक्स उसकी पूर्ति करता है। ये आपके शरीर में गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं और बुरे बैक्टीरिया को आप पर हावी नहीं होने देते। वैज्ञानिक और डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर एमिली लिविंग कहती हैं कि प्रोबायोटिक्स के लिए सेब सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें 100 मिलियन रोगाणुओं की प्रोबायोटिक शक्ति होती है। ये सप्लीमेंट की अपेक्षा बहुत सस्ता होता है, अच्छा होता है। अन्य विशेषज्ञों का भी कहना है कि सेब वास्तव में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अनाज और फलों जैसी चीज़ों से आपको मिलने वाले सभी फाइबर और पॉलीफेनल्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं। लिमिंग ने अपनी बुक जीनियस गट हाउ टू ईट फॉर योर सेकेंड ब्रेन में बताया है कि प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के सेवन से आपके मूड से लेकर आपकी त्वचा की टोन तक सब कुछ बेहतर हो सकता है। सेब में विशेष रूप से पेक्टिन नाम का प्रोबायोटिक फाइबर होता है जो आपकी अच्छी आंत बैक्टीरिया को पोषण देता है। सेब में प्रचुर मात्रा में पॉलीफेनोल्स भी होते हैं जो आंत के माइक्रोबायोम पर प्रीबायोटिक प्रभाव डालते हैं। हाँ, जो लोग IBS से पीड़ित हैं उन लोगों को सेब खाने से पहले सोचना चाहिए। कुछ लोगों को इसे लेने के बारे में सोचना चाहिए। आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो खाते हैं उससे भी प्रोबायोटिक की पूर्ति हो जाएगी। सेब खाइए। सेब के बाकी फायदे क्या हैं? सेब मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और पानी से भरपूर होता है। इसमें फ्रक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज होता है। कार्ब और चीनी के बावजूद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI 29 से 44 के बीच होता है, जो काफ़ी कम है। हाई फाइबर और पॉलीफेनॉल की मात्रा के कारण फलों का GI स्कोर अक्सर कम होता है। हाई फाइबर और कम कैलोरी होने के कारण ये वजन घटाने के लिए भी बेहतरीन है। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि सेब खाने से ब्लड शुगर के स्तर को कम करने और डायबिटीज से बचने में भी आपको मदद मिलती है, हमें मदद मिलती है। सेब में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। एक मीडियम आकार का सेब 182 ग्राम अगर मान लें आप, तो उसमें लगभग 4.5 ग्राम फाइबर होता है जो दैनिक ज़रूरत का लगभग 16% है। तो सेब में मुख्य खनिज पोटेशियम होता है जो हमारे शरीर विशेषकर हमारे हार्ट दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। भरपूर मात्रा में सेब का सेवन करने से हार्ट को मदद मिलती है, यानी कि हार्ट की डिजीजेस को, दिल की बीमारियों को आप रोक सकते हैं। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।